चुनाव दो चरण में होने थे, ऐसे में 12 सीटों पर पहले चरण के लोकसभा चुनाव बीते दिन यानी 19 अप्रैल को हो गए हैं। अब बचे बाकी की 13 सीटों पर चुनाव 26 अप्रैल को होने हैं, जिनमें बाड़मेर जैसलमेर की सीट भी शामिल है जो कि हॉट सीट्स में से एक है, जहां से कांग्रेस ने उम्मीदवार राम बेनीवाल को मैदान में उतारा है तो वहीं बीजेपी ने कैलाश चौधरी को मैदान में उतारा है। इस सीट की खास बात यह है कि इस सीट पर मामला त्रिकोणिया है। यहां से रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय प्रत्याशी हैं। भाटी ने 2023 का विधानसभा चुनाव भी निर्दलीय लड़ा था और उसमें जीत हासिल की थी। अब भाटी लोकसभा का चुनाव भी निर्दलीय लड़ रहे हैं। खैर, अब भाटी एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे जहां उन्होंने जनता से एक बहुत ही इमोशनल अपील की। सुनिए भाटी ने क्या कुछ कहा। ये पावन धरा मात है, हमारे सामा विराजमान, हमारा समस्त पिता तुले बुजुर्ग, युवा साथी और आपने टाबर आपने भाई रविंद्र आशीर्वाद है हमारे पदार्थ की समस्त मात्र नहीं आज समारोह धर्म मान को धन्यवाद ज्ञापित करा। आप सभी को लाद भी दो तो कोड करे हो, आप समारोह बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, जहाँ आप सभा लठा है, आने वाली 26 तारीख का लोकसभा का चुनाव है, आपका छोटो भाई आपका टाबर ये लोकसभा के चुनाव में जनता ने आदेश रे मेरो हाजिर हुआ है, मेरा पूरा भरोसा है आप तमाम 36 कौम रा हमारा परिवार जनाबत है कि आप ये रविंद्र मान जरूर कोला ये सफर मान करूंगा। साथियों, वो कोई पॉलिटिकल परिवार हूँ को नहीं आऊ, कोई बिजनेस घराने को नहीं आऊ, साधारण परिवार निकले हुए युवा हो जिके वो अपना भरोसा दिला सके कि आप सवारी हक और अधिकार वाली बात देश की संगम उठी हुई पंचायत रवीना पूरी तरीके राखी देश रे हाथों पड़े हो नौ सर्वे आयु और सोमे सर ये तमाम रास्ता ना मैं दिखा है, 6 लाइन हाईवे बने हुई है, थोड़ा टाइम लाग गया, माफी चाहूंगा। पूरे रस्तो जदे देखियो जदे समझ में आई कि वाकई विकास के तो एक हुआ उसे अजा तक अपना है पूरा क्षेत्र अपना है पूरा गांव आज भी विकास वास्ते तरस रहा है। हूँ वादो करे जाऊ अपना विश्वास दिलाए जाऊ अपना कि आप सभा ने यह तमाम चीज जाना हुए प्रदेश रही हुए देश रही संगम उठी पंचायत आप सब तैयार हो 26 तारीख रही है चुनाव में हमारा तमाम मोटियार साथियों निवेदन कि आप सब मजबूती रे बेड़ा बूथ ना संभालिया, एक एक बूथ ना मजबूत करिया, एक एक भाई ना चुनाव तक बूथ तक पहुंचाऊं की जिम्मेदारी हूँ आप सब भाइयों रे माता छोड़ने जाऊ है। हमारा तमाम भाई पूरी मजबूती रे बेड़ा आने वाले 26 तारीख रा ये मोर्चा ना संभाले राख रहे और मेरा पूरा भरोसा है कि हर घर तक सेव पहुंचाऊ को काम भी आप सब करते हैं। तो भाइयों तैयार हो, तैयार हो, भारत माता की वंदे वंदे। तो हमें लौटा रहे सो, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।